हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको सूरन को कैसे रखा जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये बियारण है, अभी जनवरी महीना है और ये बियारण आया है। देखिए उसको कैसे रखा जाता है लगाने के लिए वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी यहाँ से लेके जाते हैं, देखिए कैसे रखा जाता है। ऊपर नीली नेट लगाई है, इसे लगाया जाता है नेट, इसके नीचे ही रखेंगे। देखिए कैसे रखना है, पहली गांठ है वो ऐसे रखनी है और दूसरी है वो उसको पलट कर रखनी है। ये गलत रखी है, देखिए ऐसे रखनी है, चार गांठ के बीच में एक रखनी है और पलट के रखनी है। 40 या 50 दिन के बाद यहाँ से वो अपनी आंख निकालेगी तब उसे लगाना है, अभी इसे ऐसे ही रखना है। ये अभी अप्रैल के लास्ट वीक में लगाया जाएगी खेत में, अभी यहाँ पे ही रखना है। देखिए ये सब रख दी है ऐसे मंडप के नीचे, ऊपर नीली नेट लगाई है और चारों तरफ पुला लगाया है। और ये अलग अलग वक्कल है, देखिए ये बड़ी वाली है, ये मान लो कि ढाई दो या ढाई किलो की है। उसे क्या है कि काट के लगाना है, इसीलिए वो अलग है। देखिए और वो बड़ी वाली गांठ है उसमें बीच में से ऐसे निकाल देना है, क्योंकि जब लगानी हो तब उसको काटना पड़ेगा, दो या तीन उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। देखिए ऐसे बीच में ही निकाल देंगे तब आजू बाजू से दूसरी आंख निकलेगी, दो या तीन। वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे उसे काटना है और कैसे लगाना है। देखिए अभी ऐसे ऐसे करके रख देना है, बीच में से वो जो निकलता है उसे काट लेना है, क्योंकि ये बड़ी वाली है, दो किलो तीन किलो की है। देखिए ऐसे निकालनी है, बस ऐसे निकाल देंगे तो 40 या 50 दिन के बाद उसके आजू बाजू दूसरी तीन या चार दो आंखें निकल लेगी, तब उसे काटना है। ये बड़ी वाली है इसलिए उसको काट के लगाना पड़ेगा, और वो छोटी है डेढ़ किलो किलो की, उसे कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही रख देना है। वो मैं आपको कैसे काटना है वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए ऐसे करके उसे रख देना है। अभी फेब्रुआरी चल रहा है और उसको लगाना है अप्रैल के लास्ट वीक में, तब तक ये इसकी आंखें निकल जाएगी। ऐसे बड़ी वाली जो है गांठ इसको ही करना है, छोटी वाली को कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे निकाल देना है बीच में से थोड़ा सा, फिर आजू बाजू दूसरी आंख निकल जाएगी, तब उसके टुकड़े कर देंगे दो या तीन, बस ऐसे ही निकाल देना है, फिर रख देना है।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगले दूसरे वीडियो में आपको मिलूँगा। थैंक यू।